बहुत बहुत बधाई आपको हार्दिक। धन्यवाद सर। एक बात बताइए भाई साहब, आपकी उम्र कितनी है? 24 साल। लगते तो आप 16 साल के हैं एकदम। सभी सब लोग यही कहते हैं। और बिजनेस कर रहे हैं आप? हाँ। ओके, हार्दिक बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। आप अपने साथ अपनी माता जी को लाए हैं, नमस्कार करता हूँ आपको। हाँ। और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम युति। युति जी, आप एक माँ हैं, बहुत गर्व होता होगा आपको अपने बेटे पर। बहुत कम उदाहरण मिलते हैं हम सबको इनके जैसे, इतनी कम उम्र में बहुत ही समझदारी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं ये। बहुत बहुत बधाई आपको, एक बार फिर अभिनंदन और स्वागत आपका। ऑलराइट। मैं उम्मीद करता हूँ हार्दिक कि आपकी उम्र के, बल्कि जितने भी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, आदर्श बन गए आप तो उनके लिए। इतनी कम उम्र में आप इतना कुछ कर सकते हैं। ऑलराइट हार्दिक, गेम को हम अब बढ़ाना चाह रहे हैं आगे, क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं धनराशि जीतने। नियम तो आपको मालूम ही है सब। तो इसी के साथ देवियों संजो शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति विद द बिजनेसमैन हार्दिक पाटिल। हार्दिक भाई साहब, पहला प्रश्न, 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा शब्द फिल्म रईस के इस डायलॉग को पूरा करेगा? कोई डैश छोटा नहीं होता। पता नहीं आप फिल्म वगैरह देखते हैं कि नहीं। विच वर्ड कंप्लीट्स दिस लाइन फ्रॉम द फिल्म रईस? विद इन कोट्स, कोई डैश छोटा नहीं होता। ऑप्शंस देखिए, ए बंदा, बी धंधा, सी लंबा, डी खंबा। कोई धंधा छोटा नहीं होता। बी 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 पता लगा कंप्यूटर जी। भाई साहब बिल्कुल सही जवाब दिया। ऑलराइट हार्दिक, सेकंड क्वेश्चन कमिंग अप वर्थ 2000 रुपीज। अगला प्रश्न ये रहा, इनमें से क्या एक कंप्यूटर डॉक्यूमेंट या फाइल फॉर्मेट नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट ए कंप्यूटर डॉक्यूमेंट और फाइल फॉर्मेट? ए TDS, बी PNG, सी PDF या डी JPG। सर ऑप्शन ए TDS। TDS श्योर है? लगा दे ताला। ए पे ताला लगाई कंप्यूटर जी। यस राइट आंसर। TDS तो आप जानते होंगे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न, 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से किस खेल को खेलने के दौरान खिलाड़ी को असल में घूमना या चलना पड़ सकता है? विच ऑफ दीज मोबाइल गेम्स माइट रिक्वायर द प्लेयर टू वॉक अराउंड इन द रियल वर्ल्ड? ए पबजी या PUBG, बी पोकेमॉन गो, सी टेम्पल रन, डी सुपर मारियो। सर ऑप्शन बी पोकेमॉन गो। पोकेमॉन गो श्योर है? यस सर। लगा दे ताला। लगा दीजिए। बी पे ताला लगाइए। सही जवाब दिया है आपने हार्दिक। ऑलराइट, छठा प्रश्न आ रहा है, आगे बढ़ते हैं हार्दिक। ये छठा प्रश्न आपको दे सकता है 20,000 रुपए। रेडी, छठा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से क्या टाटा समूह की एक कंपनी नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाटा ग्रुप कंपनी? ए टाइटन, बी टेटली, सी इंडियन होटेल्स कंपनी, डी इंडिगो। सर टेटली नाम नहीं सुना है, बट टाटा के एयर इंडिया है तो शायद इंडिगो होना चाहिए। राइट, डी इंडिगो होना चाहिए आंसर। क्या करेंगे? लॉक कर दीजिए सर। डी डी इंडिगो। सोच समझ के हार्दिक जी कह रहे हैं इंडिगो, डी पे ताला लगाया जाए। आपने पहले कहा था टेटली। टेटली सुना नहीं है। टेटली टी जो है बहुत बड़ी कंपनी है, आपको लगा नहीं कि ये होना चाहिए था, आपने कहा इंडिगो। कुछ भी हो भाई साहब, ये सही जवाब है आपका, बधाई हो आपको। इंडिगो जो है ये एक लो कॉस्ट एयरलाइन है और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, जिसकी मूल कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन द्वारा की गई थी, इंडिगो। ऑलराइट,
आ रहा है नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। रेडी हार्दिक? यस सर। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ये रहा। सुपरमैन क्लार्क कैंट के रूप में इनमें से किस अखबार के रिपोर्टर थे? सुपरमैन एज क्लार्क कैंट वर्क्ड एज अ रिपोर्टर फॉर विच ऑफ दीज न्यूज़पेपर्स? ए द डेली प्लैनेट, बी द डेली बीस्ट, सी द टैलीहो, या डी द सेंट्रल बाल्कन हेरल्ड? बाल्कन हेरल्ड। दो का तो आइडिया ही नहीं है, बट थोड़ा याद आ रहा है डेली प्लैनेट। टैली हो तो नहीं है, बट डेली बीस्ट। 20 सेकंड रह गए सर। 50-50। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी, एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं हार्दिक जी। 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए। हार्दिक भाई साहब, दो गलत विकल्प जो है मिट जाएंगे, मिटा दीजिए कंप्यूटर महाशय। सर ए टैली प्लैनेट। ए डेली प्लैनेट। ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस यू राइट। और आपके मन में पहले आया भी था? वो आया था, बट वो कहीं ना कहीं वो बीस्ट था ना, वो मतलब वो आपको कंफ्यूज कर रहा था। हाँ, कंफ्यूज कर रहा था। 3,20,000। 10वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। तस्वीर में नजर आ रहे इस जानवर को पहचानिए जो अक्सर दूसरे जानवरों द्वारा छोड़े गए भोजन को खाने के लिए जाना जाता है। आपको एक हम तस्वीर दिखाएंगे। आइडेंटिफाई द एनिमल सीन इन दिस पिक्चर व्हिच इज ऑफन नोन टू ईट लेफ्ट ओवर्स From other animals' kills. तस्वीर दिखाइए कंप्यूटर जी। देख लिया अच्छी तरह? ए हाइना, बी वुल्फ, सी फॉक्स, डी जैकॉट। लकड़बग्गा ये हाइना, भेड़िया वुल्फ, लोमड़ी फॉक्स, सियार जैकॉल। सब वुल्फ लग रहा है, बट सारे ऑलमोस्ट सेम ही हैं। दूसरों का छोड़ा हुआ खाता है। जैकल का तो नहीं पता, फॉक्स भी हो सकता है, वो लग तो फॉक्स ही रहा है। सर लाइफलाइन ले लेते हैं। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी, एक लाइफलाइन और लेंगे। आपके पास 3 बची हुई हैं। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, फ्लिप द क्वेश्चन और आस्क द एक्सपर्ट। पर सब वीडियो कॉल कर लेते हैं। वीडियो कॉल करेंगे आप, अपने किसी मित्र से उत्तर जानना चाहेंगे। ऑलराइट, इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर महाशय। हार्दिक जी, आपने 5 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे वीडियो पे, ये हैं वो। पराग हैं, राकेश हैं, गिरीश डैडी हैं और सर भाई मामा हैं। किनसे? गिरीश मामा के साथ जाऊंगा। गिरीश मामा के साथ? आपको लगता है उनको? हाँ, उनको नेचर और एनिमल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में ज्यादा पता है। ऑलराइट, तो कबीर महाशय, गिरीश मामा जी को फोन लगाया जाए। ये आपके बिजनेस पार्टनर हैं? हाँ, ये मामा के साथ रहते हैं। मामा से हमको याद आया। हाँ। गिरीश मामा जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। गिरीश मामा जी। यस सर। हार्दिक मेरे सामने हॉट सीट पर है और एक प्रश्न का उत्तर आपसे मांग रहे हैं। प्रश्न डालने से पहले, क्योंकि ये एक इमेज प्रश्न है, पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, उसके बाद हार्दिक की आवाज में आपको वो प्रश्न पढ़ के सुनाएंगे। कैन वी शो द इमेज प्लीज टू गिरीश मामा जी। देख लिया? ऑलराइट, अब हार्दिक की आवाज में वो प्रश्न पढ़ेंगे। हार्दिक, आपका समय शुरू होता है। आप द एनिमल सीन इन दिस पिक्चर इज ऑफन नोन टू ईट लेफ्ट ओवर्स फ्रॉम अनदर एनिमल्स किल्स। द एनिमल स्टोन इन दिस पिक्चर इज ऑफन नोन टू ईट लेफ्ट ओवर फ्रॉम द अदर एनिमल्स किल्स।
ऑप्शंस आर ए हाइना, बी वुल्फ, सी फॉक्स, डी जैकल। जैकॉल। डी जैकॉल। सी आर। इट हैज टू बी बी और डी। इट हैज टू बी वुल्फ और जैकल। वुल्फ और जैकल। डेफिनेटली नॉट हाइना, डेफिनेटली नॉट फॉक्स, बट माय गेस इज 75% आई एम श्योर अबाउट वुल्फ। वुल्फ। ओके। बट आई एम नॉट 100% श्योर। अगर दोनों बोल रहे थे वो। I'll flip the question. Flip the question. शांत हो जाए, चल पड़ी जी। एक और ऑप्शन लेना चाह रहे हैं लाइफलाइन के। ये है फ्लिप द क्वेश्चन। इसे अंकित किया जाए। हार्दिक जी, ये हम प्रश्न बदल देंगे आपके लिए, और जाने से पहले हमें सही उत्तर बताना होगा। भाई साहब कह रहे थे वुल्फ या जैकॉल, आपको क्या लग रहा था? आपको भी वुल्फ लग रहा था। वुल्फ लग रहा था। किस पे उंगली रखें बताना है? वुल्फ पे रख। ओके, बी वुल्फ पे ताला लगा जाए। नो, दिस वुड हैव बीन द रॉन्ग आंसर। जैकॉल इज द सीआर। सीआर जो है, जैकॉल कुत्ते की आकार का एक जानवर होता है, देखा होगा आपने तस्वीर में। इनकी कुछ प्रजातियां हैं, ब्लैक बैक्ड जैकॉल, गोल्डन जैकॉल, साइड स्ट्रैप्ड जैकॉल। अच्छा, जैकॉल सीआर इज द राइट आंसर। ओके, तो अब इस प्रश्न को हटा दिया जाए कंप्यूटर महाशय, और जो 11 सूचियां थी जिनसे हमने आपसे कहा था फ्लिप द क्वेश्चन पे, कोई एक आपको विषय चुनना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट, ऑलराइट, इसको अंकित हो गया है। कंप्यूटर महाशय, एंटरटेनमेंट को आधार मान करके इस प्रश्न को हटा दीजिए, और नया प्रश्न जो है बिजनेसमैन हार्दिक पाटिल के सामने रखा जाए। किस यूट्यूब स्टार का वास्तविक नाम अजय नागर है? Which YouTube star's real name is Ajay Nagar? Ajay Nagar. पता नहीं, YouTube वगैरह तो देखते होंगे आप? देखते हैं, नाम याद नहीं आ रहा। सुना नाम याद? मैं ऑप्शन रखता हूँ, शायद आपकी याददाश्त आ जाए आपको। ए कैरी मिनाथी, बी टेक्निकल गुरुजी, सी गीकी रंजीत, डी आशकीन। कैरी मिनाटी लग रहा है, उनका नाम तो याद नहीं आ रहा है, बट कुछ ऐसे ही था, नागर करके उनका एक था, कुछ मतलब चिढ़ा रहे थे या खुद के बारे में बता रहे थे, याद नहीं आ रहा। बोलिए क्या करना चाहेंगे? सर ए के साथ जाना चाहूंगा। राइट, लॉक कर दें? यस सर। सोच विचार के बाद कैरी मिनाटी बोल रहे हैं ए, ताला लगाया जाए। कैरी मिनाटी और अजय नागर दोनों नाम मिलते नहीं है। आई मीन कैरी मिनाटी, हाँ मतलब वो कहीं ना कहीं, मतलब एक बार उन्होंने जिक्र किया था उनके एक, पर इसमें कैरी मिनाटी कुछ पश्चिमी नाम लग रहा है और ये देसी नाम लग रहा है ना। वो तो है, देसी ही है। अच्छा, देसी है वो। हाँ, फिर कैरी मिनाटी। बहरहाल जो भी हो सर, ये सही जवाब है आपका। 3,20,000 रुपए जीत गए आप। बधाई आपको हार्दिक जी। थैंक यू। और 3,20,000 रुपए का चेक आ गया आपके नाम।